नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये है तीसरा लेक्चर। जब हम 60 के दशक में पहुँच चुके हैं, 60 के दशक में इंदिरा गांधी के राइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे इंदिरा गांधी भारत की राजनीति के पटल पर छा गई। दोस्तों, इस सीरीज़ के पहले दो लेक्चर्स आपके लिए सिद्धांत अग्निहोत्री सर लेकर आए थे, किसी कारणवश मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अब लेक्चर 3 से इसे आगे कंटिन्यू मैं ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्यार मेरे लिए और सिद्धांत सर के लिए बना रहेगा, आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो studyiq.com विजिट कीजिए या फिर इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स के अपडेट चाहिए या फिर PDF चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लेक्चर का लिंक और PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को 10 भागों में विभाजित किया गया है। पहले दो लेक्चर्स आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इसी नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला इलेक्शन 1952 का, इसे डिस्कस कर लिया गया था। फिर ड्रास्टिक चेंजेस इन पॉलिटिक्स आफ्टर डेथ ऑफ नेहरू, तो 1964 और 66 के बीच के जो घटनाक्रम है उनके बारे में भी चर्चा की जा चुकी है पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की बाद की घटनाओं पर, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। इंदिरा गांधी का नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी जो है, इन्हें नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये उनके स्कूल में पढ़ने गई थी और वहाँ पे ही उन्हें ये टाइटल दिया गया था। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के घर में और 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। 1959 के आसपास से इंदिरा गांधी राजनीति में पॉलिटिकली एक्टिव हो गई। हालांकि वो शुरुआत से जवाहरलाल नेहरू के साथ रहती थी, कई जगह कई दौरों पर अपने पिताजी को असिस्ट करती थी क्योंकि उनकी माताजी नहीं थी, डेथ हो गई थी काफ़ी पहले। तो जितने भी बाहर से ऑफिशियल गेस्ट आते थे उन्हें होस्ट करना प्रधानमंत्री निवास में, ये काम भी इंदिरा गांधी का होता था। तो दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स से एक्सपोजर इंदिरा गांधी का शुरुआत से था, लेकिन 1959 में उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, तब पहली बार फील्ड में पॉलिटिकली ये एक्टिव हुई। अब जब इन्हें पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया तो जवाहरलाल नेहरू पे नीपोटिज्म के आरोप लगे कि आप भाई भतीजा बात कर रहे हैं, आपने अपनी बेटी को डायरेक्टली कांग्रेस प्रेसिडेंट कैसे बना दिया, जबकि ना तो ये कोई एमएलए का चुनाव लड़ी है ना कोई एमपी का चुनाव जीती हैं, डायरेक्टली आप कांग्रेस का प्रेसिडेंट इन्हें कैसे बना सकते हैं। और इंदिरा गांधी ने आते ही सबसे पहला कदम लिया था, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स जो उन्होंने लिया था वो ये कि केरल में जो दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली चुनी गई वामपंथी सरकार थी, लेफ्ट गवर्नमेंट थी, उसे बर्खास्त करवा दिया था। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट से शुरुआत करने के बाद इंदिरा गांधी 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद राज्यसभा सदस्य बनती हैं और लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी बनाई जाती हैं। फिर आता है 1966 के अंदर, पहले ही पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है ताशकंद में, ताशकंद समझौता साइन करते ही 10 जनवरी को। और जैसे ही डेथ होती है तो भारत में फिर से राजनीति के अंदर एक छोटा सा भूचाल आ जाता है। भूचाल कहाँ पर आता है? टॉप लीडरशिप में, देश में भूचाल नहीं आता है। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे वो सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। कांग्रेस में एक गुट हुआ करता था जिसे कहते थे ओल्ड गार्ड या फिर सिंडिकेट नाम दिया गया है इसे। सिंडिकेट के मेंबर्स कौन कौन थे? मेनली के कामराज थे तमिलनाडु से, उसके बाद थे संजीव रेड्डी जो थे आंध्र प्रदेश से, एस के पाटिल महाराष्ट्र से, चौथे थे अतुल्य घोष बंगाल से और पांचवे हैं एस निजलंगप्पा ये कर्नाटक से। बेसिकली जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं इनके रीजनल बॉसेस एक सिंडिकेट बनाए हुए थे, और क्योंकि दक्षिण में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग थी और ये कांग्रेस बॉसेस अपने अपने स्टेट के बिल्कुल अनचैलेंज्ड नेता थे। जैसे यूपी कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम थी उस समय 50 और 60 के दशक में, यूपी के कांग्रेस में अलग अलग नेता थे, गोविंद वल्लभ पंत हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, कई नेता थे, कांग्रेस पार्टी स्टेट में बटी हुई थी, फैक्शनलिज्म था, गुटबाजी बहुत थी उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में उस समय ऐसा नहीं था। दक्षिण भारत में कांग्रेस के जो लीडर थे, रीजनल लीडर्स थे, ये अपने आप को बहुत स्ट्रांग थे और इन्होंने अपनी पार्टी को काफ़ी कंसोलिडेट कर रखा था, सारे एमएलए इनके हाथ में थे। तो इन्होंने एक सिंडिकेट बना लिया, इन्होंने एक गुट बना लिया अपना, और ये तय करते थे, ये सीनियर लीडर्स तय करते थे कि कांग्रेस की दशा और दिशा क्या होगी। तो इन सीनियर लीडर्स ने जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनवाया, और फिर से 18 महीनों के भीतर जब ये स्थिति आ गई कि एक नया प्रधानमंत्री चुनना था,
तो अब सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट थे मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई एक स्ट्रांग गांधीयन प्रिंसिपल पे बिलीव करने वाले व्यक्ति थे और देश के गृह मंत्री रह चुके थे, होम मिनिस्टर रहे हुए थे, महाराष्ट्र और गुजरात जब कंबाइंड था उसके ये चीफ मिनिस्टर भी थे. तो मोरारजी देसाई स्ट्रांगेस्ट कंटेंडर थे, लेकिन ये जो सिंडिकेट है ये नहीं चाहता था कि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि मोरारजी देसाई अपने आप में एक स्ट्रांग लीडर थे. अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते तो इन पांचों की कांग्रेस में नहीं चलती. तो इन पांचों ने मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया. क्या कॉम्प्रोमाइज़ करवाया? कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए. उस समय इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा चुनावी जीत दिलाई हो कांग्रेस को या फिर कोई एक्सपीरियंस हो, लेकिन जस्ट बिकॉज शी वॉज द डॉटर ऑफ द एक्स प्रेजिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और क्योंकि वो कांग्रेस प्रेजिडेंट भी रही थी, कांग्रेस की पार्टी में उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था, इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया. तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ था, और मोरारजी देसाई को कैबिनेट में जगह दी गई, फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे दी गई, और 67 में इन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया था मोरारजी देसाई को, क्योंकि इन्हें भी अकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी था. इंदिरा गांधी उस वक्त इतना कम बोलती थी या फिर इतना ज़्यादा दबदबा नहीं था कि उन्हें गूंगी गुड़िया तक की उपाधि दी गई. राम मनोहर लोहिया जो कि एक सोशलिस्ट थे, ऑपोजिशन लीडर थे, इन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था. इसका मतलब होता है अ डम डॉल, जो कुछ बोल नहीं सकती या जैसा आप उसे कहेंगे वैसा वो करेंगी. लेकिन कुछ ही सालों में इस गूंगी गुड़िया ने इस पूरे सिंडिकेट को उंगलियों पर नचा दिया और कांग्रेस को विभाजित कर दिया. इन सभी नेताओं ने जब अलग कांग्रेस बनाई तो इंदिरा गांधी ने भी अपनी अलग कांग्रेस बना ली, और अल्टीमेटली इंदिरा गांधी की कांग्रेस ही आज की कांग्रेस है. देखते हैं उसकी कहानी भी इसी लेक्चर में. तो अब 1966 में कांग्रेस में दो गुट बन चुके हैं. एक है सोशलिस्ट गुट जिसको लीड कर रही है इंदिरा गांधी. सोशलिस्ट गुट का मानना है कि देश में सोशलिस्टिक पॉलिसीज होनी चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कंट्रोल होना चाहिए इकोनॉमी का. दूसरी तरफ था कंजर्वेटिव तबका, कांग्रेस का कंजर्वेटिव ग्रुप जिसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई का मानना था कि इंडस्ट्रीज़ को फ्री हैंड देना चाहिए, लिबरलाइजेशन के पक्ष में थे. तो मोरारजी देसाई सोशली तो थे कंजर्वेटिव, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे थे प्रो बिजनेस. तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये कांग्रेस के अंदर राइट विंग है, और जो इंदिरा गांधी लीड कर रही है वो है कांग्रेस का लेफ्ट विंग. तो ये फ्री एंटरप्राइज रिफॉर्म्स में थे और जवाहरलाल नेहरू के सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ के भी खिलाफ थे. इनफैक्ट जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब भी मोरारजी देसाई ने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का विरोध किया था. तो अब कांग्रेस के अंदर दो बड़े बड़े गुट बन चुके हैं, और आगे जाकर यही कांग्रेस को दो हिस्सों में विभाजित कर देंगे. तो इंदिरा गांधी के सामने क्या प्रॉब्लम्स थी? देश की इकोनॉमी उस वक्त काफ़ी ख़राब हालत में थी, क्योंकि दो लड़ाइयाँ हुई थी 1962 की और 65 की जंग. इन दोनों लड़ाइयों के कारण देश की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा था, युद्ध में खर्चा बहुत होता है. फिर 1966 में बारिश नहीं हुई, मानसून फेल कर गया, तो ऑब्वियसली बात है खाने पीने की कमी हो जाएगी, देश का खाद्यान्न कम होगा, और ये शॉर्टेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इससे भुखमरी होती है, लोगों की जान जाती है. इससे बचने के लिए इंदिरा गांधी ने अमेरिका के सामने बोला कि आप PL 480 वाला जो प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू रखिए, जिस पर हम पहले से भी डिपेंडेंट थे. याद रखना PL 480 प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार. PL 480 प्रोग्राम में US से मदद मांगी गई, लेकिन US अब इंडिया से काफ़ी नाराज़ हो चुका था, क्योंकि हमने वियतनाम वॉर में अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया था. वियतनाम वॉर के समय भारत ने ऑफिशियली अमेरिका की निंदा करी थी कि नहीं, वियतनाम वॉर गलत है. तो अमेरिका ने जो अपने गेहूं के शिपमेंट्स हैं उन्हें काफ़ी कम कर दिया. जब हम बोलते थे कि 100 क्विंटल अनाज चाहिए तो वहां से आता था 10 क्विंटल. तो इस तरह की सिचुएशन में भारत दिन ब दिन ह्यूमिलिएट हो रहा था. तो इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि हम अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ाएं, और देश में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ पहले स्टेप्स उठाए गए 1967 में. फिर आते हैं 1967 के इलेक्शंस पर. 62 के इलेक्शंस में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी, 52, 57, 62 तीनों इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस जीती थी. लेकिन 67 में पहली बार कांग्रेस की जो हेजिमोनी थी, कांग्रेस का एक छत्र दबदबा था, उसे पहली बार चैलेंज किया गया. और ये आखिरी चुनाव थे, याद रखना, जब देश में लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे. 67 के बाद ये सिलसिला टूट गया, क्योंकि 1971 में लोकसभा के चुनाव थोड़े से जल्दी हुए, 4 साल बाद ही हो गए, देखेंगे क्यों, और स्टेट के इलेक्शंस बाद में अलग समय पे होने लगे. तो 67 के इलेक्शंस में कांग्रेस को पिछले चुनावों के मुकाबले काफ़ी नुकसान हुआ, सीटों में कमी आई, और साथ ही साथ 9 राज्यों में उसकी सरकार गिर गई. 9 राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस की सरकार थी पहले, वहां से अब कांग्रेस आउट ऑफ पावर चली गई, ऑपोजिशन पार्टीज़ पावर में आ गई. और लोकसभा में भी हालांकि मेजॉरिटी उनको मिल गई, मेजॉरिटी मार्क उन्होंने क्रॉस कर लिया, 520 में से 283 सीटें ले आई कांग्रेस, लेकिन ये पहले के मुकाबले बहुत कम है. जब पहले 350 के ऊपर सीटें आया करती थी, वहां से कंपेयर करो तो 283 काफ़ी गिरावट है.
ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी थी स्वतंत्रता पार्टी, फिर इंडिपेंडेंस हैं और भारतीय जनसंघ, जो 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मदोक जैसे नेताओं ने, संघ के नेताओं ने बनाया था, उसे अब 35 सीट्स मिल चुकी हैं। भारतीय जनसंघ का ये बेस्ट परफॉर्मेंस था जो उसने अपने सारे चुनावों में दिखाया। उसके बाद इतनी सीटें जनसंघ की कभी नहीं आई। हाँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की आई थी, लेकिन जो जनसंघ पार्टी थी 25 सालों में उसका ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑपोजिशन है थोड़ा थोड़ा मजबूत हो रहा है, 44, 35, 35, 25, तो काफ़ी सीटें ऑपोजिशन की पार्टीज लेकर आ रही हैं और कांग्रेस की टैली 300 प्लस से गिरकर 283 पे आ टिकी है। हालांकि मेजॉरिटी मार्क फिर भी आराम से क्लियर कर गई थी कांग्रेस। तो इस 67 के चुनाव के बाद एक और अनोखी चीज़ भारत में देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें कई जगह गिर गई थी, ऑपोजिशन की सरकारें बनी थी, लेकिन ऑपोजिशन सरकारों को भी मेजॉरिटी बिल्कुल कम सांसदों से या फिर कम विधानसभा के सदस्यों से, एमएलए से मिली थी। जैसे अगर कहीं पे मेजॉरिटी 200 अगर सदस्य हैं विधानसभा में, तो ऑपोजिशन को मुश्किल से 101-102 सदस्य मिले हैं। तो ऐसे में आया राम गया राम पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। ये शब्द आया था हरियाणा से, आया राम गया राम, कभी एमएलए कोई एक पार्टी में है, अगले दिन वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, सरकारें गिर जाती है। तो बिहार जैसे राज्यों में 3 साल में 7 बार सरकार बदली, क्योंकि एमएलए एक से दूसरी पार्टी चेंज कर जाते थे। 7 राज्यों में 8 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकारों के अंदर बहुत उथल पुथल चल रही थी और ये 67 से 70 का टाइम काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। आया राम गया राम पॉलिटिक्स को सॉल्व करने के लिए ही फाइनली 1986 में एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया, और तब तक ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही थी भारत की पॉलिटिक्स के अंदर कि एमएलएस पार्टीज स्विच कर लेते थे और सरकारें गिरा देते थे। फिर आते हैं हम 1969 पे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बहुत ही अनोखा हमें सिचुएशन देखने को मिलता है। इस सिचुएशन में ये था कि कांग्रेस पार्टी ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी, जो कि खुद सिंडिकेट के पार्ट थे, उन्हें बनाया गया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। लेकिन इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से प्रॉब्लम थी, इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी चुनाव जीते हैं, तो उन्होंने वीवी गिरी को अपनी तरफ से अपना सपोर्ट दिया। अब वीवी गिरी जो हैं, ये भी कांग्रेस के नेता थे, पूर्व कांग्रेस के नेता थे, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये एज एन इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। याद रखना, वैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप किसी पार्टी से नहीं लड़ते हो, इंडिपेंडेंट ही लड़ते हो, लेकिन पार्टीज का सपोर्ट रहता है। तो नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का सपोर्ट था और वीवी गिरी को किसका सपोर्ट था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के सभी सांसदों को कहा कि आपको जिसे मन करे उसे वोट करो, आपकी कॉन्शियंस, आपका अंदर से आपकी जो आवाज़ आती है कि मुझे इस व्यक्ति को वोट करना है, उसे आप वोट कीजिए। तो बहुत ही कम मार्जिन से वीवी गिरी चुनाव जीतने में सफल रहे। तो ये इंदिरा गांधी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक जीत थी पार्टी के अंदर, क्योंकि उन्होंने सिंडिकेट को ये दिखा दिया कि अब मैं भी पावरफुल हो रही हूँ, मैं अपनी पॉलिटिक्स, अपने ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन पे मेरी पकड़ है, धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर मेरी पकड़ मजबूत हो रही है। तो वीवी गिरी का जीतना इंदिरा गांधी का कांग्रेस के संगठन पे मजबूत पकड़ होना दिखाता है। 66 में ऐसा नहीं था, कांग्रेस का जो पूरा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंदिरा गांधी की कोई पकड़ नहीं थी, उनके लोग वर्किंग कमेटी में सदस्य नहीं थे, पूरी तरह से कंट्रोल सिंडिकेट के हाथ में था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है 69 आते आते। तो 67 के चुनाव जब कांग्रेस की मेजॉरिटी कम हुई, और कांग्रेस की मेजॉरिटी कम होने का मेजर जिम्मा किनके सर पर गया था? मेजर जिम्मा गया था सिंडिकेट के सर पर, क्योंकि सिंडिकेट ने ही टिकट बांटे थे, उन्होंने ही कैंडिडेट्स खड़े किए थे। इंदिरा गांधी की 67 इलेक्शंस में इतनी ज़्यादा नहीं चली थी टिकट के बंटवारे में। तो 67 और 69 की घटनाओं के बाद अब आप समझ सकते हैं कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब फाइनली आखिरी जो बड़ा डिसीजन है इंदिरा गांधी का, जिसके कारण कांग्रेस बढ़ जाती है, वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो 1969 में भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवेंट याद रखना। उस वक्त जो भारत के 14 सबसे बड़े बड़े प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स थे, उन्हें 19 जुलाई से सरकारी बना दिया गया। ये प्राइवेट बैंक्स थे और भारत की लगभग 85% बैंक डिपॉजिट्स इन 14 बैंक के अंदर थी, तो इन सभी को नेशनलाइज कर दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा। एक और नेशनलाइजेशन हुआ था 1980 में, ये दूसरा नेशनलाइजेशन था, सबसे पहला और बड़ा नेशनलाइजेशन यही वाला है 1969 का। मोरारजी देसाई, जो कि फ्री एंटरप्राइज और फ्री ट्रेड में विश्वास रखते थे, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे और उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब आप देखिए, इतना बड़ा मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन है, वो बिना वित्त मंत्री के से पूछे ले लिया गया। इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट अपने लेवल पे ये डिसीजन लिया। मोरारजी देसाई इस बात से बहुत आहत थे और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था। और ये जो झगड़ा है इन दोनों के बीच का, ये फाइनली बाहर आ गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को
फाइनेंस मिनिस्टर के पद से हटा दिया उन्हें चार दिन बाद ही, जैसे ही नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई को, उसके चार दिन पहले ही मुरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया गया था और मुरारजी देसाई ने कांग्रेस छोड़ दी इसके बाद 69 के बाद उन्हें जब हटाया गया वित्त मंत्री के पद से तो उन्हें लगा कि ये मेरे लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन है, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार से फाइनली इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी। तो अब आता है कांग्रेस के अंदर स्प्लिट। जब सिंडिकेट देखता है कि इंदिरा गांधी ने मुरारजी देसाई को हटा दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया और एक और पॉलिसी दी, 10-point program, 10-point program लॉन्च किया था इंदिरा गांधी ने, पार्टी को ये प्रपोज किया कांग्रेस पार्टी को कि हम सोशलिस्टिक पॉलिसीज लाएंगे। तो इस 10-point program के अंदर इस तरह की बातें थी कि अर्बन लैंड में सीलिंग होगी, लैंड रिफॉर्म्स तेजी से लाए जाएंगे और अन्य सोशलिस्टिक पॉलिसीज की बातें थी। फिर से जो कांग्रेस का राइट विंग है, जो सिंडिकेट है, वो इसके खिलाफ था। उनका मानना था कि जो भी पॉलिसी बनाओ पहली बात तो पार्टी से पूछकर बनाओ, कि ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी है कांग्रेस की तो प्रधानमंत्री सारे डिसीजन ले लेंगे या फिर वित्त मंत्री सारे डिसीजन ले लेंगे, जो भी डिसीजन लेते हो वो पार्टी से पूछकर लिया जाए और गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू पार्टी। वो बार बार पूछते थे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे कर रही है, उसके लिए पार्टी को जवाब दिया जाए। इंदिरा गांधी इस बात से काफ़ी परेशान थी कि मैं सरकार चलाऊँ या पार्टी को जवाब दूँ। तो इन सब बातों से और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी दोनों के बीच में टकराव था, तो फाइनली सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है और मुरारजी देसाई जो पहले सिंडिकेट के खिलाफ थे, जिनको प्रधानमंत्री के पद से रोकने के लिए इंदिरा गांधी को लाया गया था, अब वो मुरारजी देसाई भी सिंडिकेट के साथ जाके शामिल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, आपका दोस्त। तो मुरारजी देसाई भी अब सिंडिकेट को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये सभी कारण देखते हुए तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, उसे हटा दिया गया पार्टी की मेंबरशिप से। तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेंबरशिप से हटा दिया कि आपने पार्टी के डिसिप्लिन को वायलेट किया है, और दूसरा इन पर आरोप लगा कि आप पर्सनैलिटी कल्ट बना रही हैं, आप अपने नाम के पीछे लोगों को अपने को वोट देने के लिए प्रेरित कर रही हैं, आप अपना पर्सनैलिटी कल्ट बना रही हैं जो कि कांग्रेस की कल्चर के खिलाफ है। तो इन दो आरोपों के बेसिस पे इंदिरा गांधी को पार्टी से हटाया गया और इंदिरा गांधी ने अपनी अलग कांग्रेस बना ली जिसका नाम था कांग्रेस आर। आर का मतलब है रिक्विजिशनिस्ट, और जो ओरिजिनल कांग्रेस थी वो कहलाई कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कांग्रेस ओ। इसे एक आम तौर पे लोग ओल्ड कांग्रेस भी कहते थे। आगे चलकर 71 के चुनाव में कांग्रेस आर ने ही सारी सीटें जीती और कांग्रेस ओ चुनावों में काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस करते हुए एक तरह से खत्म ही हो गई। तो आज जो आप कांग्रेस देखते हैं वो कांग्रेस आर है। कई लोग इसे कांग्रेस इंदिरा भी कहते थे लेकिन इसका ऑफिशियल नाम था कांग्रेस आर, रिक्विजिशनिस्ट। लेकिन कई जगह आप आज भी देखेंगे ब्रैकेट में लिखा रहता है कांग्रेस आई, आई का मतलब होता है इंदिरा, क्योंकि कांग्रेस में कई सारे अलग अलग विभाजन हो चुके हैं, कई कांग्रेस से पार्टियां बाहर निकली हैं और कई वापस मर्ज भी कर गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 705 मेंबर्स में से 446 मेंबर्स इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर में जाकर शामिल हो गए और ज़्यादातर एमपीज भी जो लोकसभा के एमपीज थे वो भी इंदिरा गांधी के साथ थे, लेकिन इंदिरा गांधी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चली गई थी, क्योंकि 283 में से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए कितने सदस्य चाहिए आपको, आपको चाहिए 256। तो ये जो 256 का आंकड़ा था ये कांग्रेस आर अपने दम पर क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज जो थी उस वक्त, जैसे कि डीएमके और कुछ लेफ्ट पार्टीज, उन्होंने यहाँ पे इंदिरा गांधी को सपोर्ट दिया और इंदिरा गांधी की सरकार कंटिन्यू रही। यानी 69 में भी जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर सकती थी इस स्प्लिट के बाद, सरकार गिरी नहीं क्योंकि ऑपोजिशन ने उनका साथ दिया, डीएमके ने और लेफ्ट पार्टीज ने, सीपीआई सीपीएम ने उन्हें आउटसाइड सपोर्ट दिया। फिर आता है अगला मामला प्रिवी पर्सेस का। प्रिवी पर्स क्या होता है? जब भारत आज़ाद हुआ और सारे राजघराने भारत में शामिल हुए, प्रिंसली स्टेट्स भारत में शामिल होते हैं, तो उन्हें ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको एक फिक्स मंथली अलाउंस मिलेगा या फिर मंथली सैलरी मिलेगी क्योंकि आपने अपना राज्य भारत में शामिल कर दिया है। तो अगर निज़ाम ऑफ हैदराबाद है या फिर राजा ऑफ ट्रावणकोर है तो उन्हें फिक्स पैसे बताए गए थे कि जितना बड़ा आपका स्टेट है उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी, उतना आपका स्टाइपेंड रहेगा और ये कभी बंद नहीं होगा, ये ऑफिशियली वादा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस प्रिवी पर्स को बंद कर दिया। उनका मानना था कि ये इकोनॉमी पे बहुत बड़ा ड्रेन है कि हम राजा महाराजाओं को सैलरी दिए जा रहे हैं बिना किसी बात के और इसे हम रोक देते हैं। तो जितने भी राजा महाराजा थे वो सब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस डिसीजन को, इस गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया कि हाँ सही बात है, जब वादा किया गया था सरकार द्वारा 1947 में तो उसे निभाया जाना चाहिए, आप प्रिवी पर्सेस को ख़त्म नहीं कर सकते। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर काफ़ी जद्दोजहद हुई और पॉलिटी में भी आप पढ़ते ही हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इलेक्शंस
का कॉल लिया, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। इस प्रिवी पर्स के मामले पे ही लोकसभा डिसॉल्व कर दी एक साल जल्दी और 71 में ही चुनाव हो गए, जबकि ड्यू कब थे चुनाव, 72 में, 67 में चुनाव हुए थे, पाँच साल बाद 72 में होने वाले थे, लेकिन 71 में ही चुनाव बुला लिए गए लोकसभा डिसॉल्व करके। तो मार्च 1971 में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में ऑपोजिशन पार्टियां सब एक साथ हो गई। कांग्रेस ओ जो है उसने एक अलायंस बनाई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय जनसंघ, इन सब से मिलकर कि हम कांग्रेस को हराएंगे। इनका नारा था इंदिरा हटाओ। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। पहले इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, तब ऑपोजिशन ने कहा कि हम इंदिरा हटाओ का नारा देते हैं। तो इन सीटों पे ऑपोजिशन ने ग्रैंड अलायंस बनाया सारी सीट पे, लेकिन इस ग्रैंड अलायंस की बहुत बुरी तरह हार हुई। मोरारजी देसाई इस ऑपोजिशन के लीडर थे और यहाँ पे इन्हें सीटें मिली केवल 51, जिसमें भी जो कांग्रेस ओ है उसकी केवल 16 सीटें थी, बाकी सीट्स जो हैं वो अलायंस पार्टीज की हैं, जो भी गठबंधन में दल थे उनकी सीटें थी। कांग्रेस ओ की बहुत बुरी हार होती है, आप देख सकते हैं केवल 16 सीटें मिलती हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस आर यानी जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है उसे 352 सीटें मिली, तो पहले से 73 सीटें ज़्यादा, 352 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इंदिरा वेव थी, उस जैसे आपने 2014 के इलेक्शंस में मोदी वेव का नाम सुना था, वैसे ही 1971 के चुनाव में इंदिरा वेव थी। इंदिरा लहर क्यों थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कई नए नौजवान नेता कांग्रेस से जुड़ रहे थे। तो एक तरफ तो कांग्रेस का ओल्ड गार्ड था, ये पुराने नेता थे, दूसरी तरफ कांग्रेस में कई नौजवान पीढ़ी एक तैयार हो रही थी। आज आप जिन नेताओं को कांग्रेस में देखते हैं जैसे अंबिका सोनी या फिर चंद्रशेखर जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने, ये सभी नेता उस वक्त यंग तर्क्स थे, ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए थे इंदिरा गांधी के कैरिज्मा और इंदिरा गांधी की लीडरशिप को देखते हुए। तो ये जो नौजवान थे ये इंदिरा गांधी को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देते थे। जैसे आज आप देखते हैं कि लोग मोदी भक्त हैं, वैसे उस समय लोग इंदिरा भक्त थे, कांग्रेस पार्टी के कई मेंबर्स इंदिरा भक्त थे, उनकी आंखों के आगे इंदिरा गांधी सही थी हमेशा, चाहे वो कोई भी डिसीजन ले। तो उसके कारण इंदिरा गांधी ये चुनाव जीती इंदिरा लहर में, 71 का इलेक्शंस लैंड, इनकी जो विक्ट्री है लैंडस्लाइड विक्ट्री थी 352 सीट्स के साथ। जैसे ही 71 का चुनाव इंदिरा गांधी जीती, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही थी, मार्च में ही वहाँ पे आज़ादी घोषित कर दी थी, मुक्ति वाहिनी लगातार लड़ाई लड़ रही थी वहाँ की आर्मी से, पाकिस्तान की आर्मी से, और भारत से सपोर्ट मांग रही थी। दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने फाइनली अपनी आर्मीज भेजी, सैम माणिक शॉ के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और केवल 13 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की आर्मी को धूल चटा दी और पाकिस्तान की आर्मी के 93,000 सोल्जर्स हमने युद्धबंदी बना लिए। तो इंदिरा गांधी और सैम माणिक शॉ का ये सबसे फाइनेस्ट आर था, उनकी सबसे अच्छी जीत थी, सैम माणिक शॉ का कैरियर का ये सबसे स्वर्णिम पल था एज अ मिलिट्री लीडर, और दूसरी ओर एज अ पॉलिटिकल लीडर इंदिरा गांधी के करियर का ये सबसे हाई पॉइंट था। तो इस युद्ध का भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ और इंदिरा गांधी की प्रेस्टीज भी पूरी दुनिया में बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान जो भारत का मेन शत्रु था उस समय, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी उससे अलग हो गई थी, 1/3 आर्मी उसकी जा चुकी थी, और इंडिया की इस जीत से पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया मिलिट्री और पॉलिटिकली डोमिनेट कर गया था। हमने अमेरिका की मदद को भी रोक दिया था, यूएसएस एंटरप्राइज भेजा था अमेरिका ने इस युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए, लेकिन हमने रशिया की मदद से उस यूएसएस एंटरप्राइज को भी ब्लॉक करवा दिया, और इससे पूरी दुनिया में यूएसए, सोवियत यूनियन सब ने भारत का लोहा माना। और यूएसए जो कि उस वक्त भारत के काफ़ी खिलाफ था, और जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो इंदिरा गांधी से बहुत चिढ़ते थे, वो भी अपने आउटलुक में थोड़े से नरम पड़े, और इसका फ़ायदा हमें 1974 में होता है, कब, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे। तो भारत अगर 1971 के पहले न्यूक्लियर टेस्ट करता तो दुनिया हम पे 50 तरह के बैन लगा देती, लेकिन 1971 की लड़ाई जीतने के बाद भारत के पास भी ये कॉन्फिडेंस आया कि हम दुनिया की निंदा झेल सकते हैं, हम थोड़े बहुत सैंक्शंस झेल लेंगे लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट हम करेंगे। तो 18 मई 1974 को बुद्धा स्माइल्ड, बुद्ध मुस्कुराए, यानी कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया पोखरण में, ये था पहला पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट। इसे भारत ने कहा पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, ये हमारा मकसद किसी देश के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना नहीं है, ये केवल शांति बनाए रखने के लिए है हमारे क्षेत्र में। तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की साइट को देखते हुए, उसका अवलोकन करते हुए पोखरण में। तो ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस वक्त तक न्यूक्लियर पावर केवल P5 देशों के पास थी, जो परमानेंट 5 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, केवल उनके पास न्यूक्लियर पावर था। भारत पहला देश था जिसके पास न्यूक्लियर पावर आई P5 के बाहर। तो इसी के साथ इंदिरा गांधी अपने चरम पर थी, इंदिरा गांधी सबसे पावरफुल नेताओं में से एक थी दुनिया में,
लेकिन अब 1974 में ही उनका पतन भी शुरू हो जाता है। अगले लेक्चर में बात करेंगे कैसे जेपी आंदोलन शुरू होता है, रेलवे स्ट्राइक होती है और अल्टीमेटली इमरजेंसी लागू करी जाती है। इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें, आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।